हेलो बच्चों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप कि आप सब लोगों का इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छा जा रहा होगा। और आज का जो दिन है वो हम सभी इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत ही प्राउड दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे जो जवान थे, जो सोल्जर्स थे, जितने भी सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सब के बदौलत सालों की मेहनत की वजह से आज के दिन करीबन 75 ईयर्स पहले हम लोगों को आज आज़ादी मिली थी, 1947 को 15 अगस्त, ठीक है। और ब्रिटिश राज सिस्टम से हम लोग आज़ाद हुए थे, एक फ्रीडम मिला था हम लोगों को। उस दिन से ये स्टेटमेंट बन गया था कि हम लोग उस दिन के बाद से एक फ्रीडम के अंडर रहेंगे, हम लोगों का खुद का फ्रीडम रहेगा, फ्रीडम ऑफ राइट्स रहेंगे, हम लोगों का खुद का फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा, ठीक है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस रहेगा। तो ये सब चीज़ें उस दिन के बाद से हुए थे, लेकिन वो दिन कोई एक दिन के बदौलत नहीं हुआ था, कई सारे सालों और कई सारे बलिदानों के बाद वो दिन आया था हम लोगों की जिंदगी में। तो अगर आज हम लोग जिस भी मुकाम पे हैं, जैसे भी हैं, भले ही कितना भी कम या कितना भी ज्यादा डेवलपमेंट किए हैं, वो पूरा पूरी इट गोज टू इंडिपेंडेंस ऑफ आवर्स। अगर आज हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते तो शायद आज जो हम लोग के पास जो फ्रीडम है कि हम लोग बहुत सारे कुछ कर रहे हैं इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड्स, इन साइंटिफिक फील्ड, स्टडी के फील्ड में, या फिर स्पोर्ट्स के फील्ड में भी, जितने भी सारी चीजें कर रहे हैं, आज पूरा का पूरा वो सब कुछ ये हो पाया है क्योंकि हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला था फ्रॉम द ब्रिटिश राज सिस्टम, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस बात को समझे। आज मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने घरों में फ्लैग खरीद रहे हैं, झंडा खरीद रहे हैं, तो वो झंडे को संभाल के रखिए, उसको बाहर मत फेंकिए, डस्टबिन में मत फेंकिए, ना ही रास्ते में फेंकिए, क्योंकि लोग फिर वही झंडे को अगले दिन पैर लगाएंगे, ठीक है, वो मिट्टी में मिलेगा, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस झंडे के लिए जितने सारे कुर्बानी देने पड़े थे, कि जितने भी सारे बलिदान देने पड़े थे, वो शायद आज के वक्त में कोई देने के लिए राजी ना हो, ठीक है। तो प्लीज रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग और हैव अ नाइस डे।